ट्रैकिंग प्रिपरेशन और एक भारी सा बैग कैरी करना, हाई अल्टीट्यूड ट्रैकिंग, बारिश का खतरा, कैंपिंग, बाहर का खाना, एक्सट्रीम थकन के बाद फ्रीजिंग वेदर में सोना, इन सबको एडवेंचर कहते हैं और इसका अपना चार्म है। चलो एक्सपीरियंस करते हैं हाउ इट इज़ टू बी लॉस्ट इन माउंटेंस, और एक ऐसा नज़ारा जो कि एक्सट्रीम एफर्ट करके ही देखा जा सकता है। जहाँ से खालिद और आज मैं मौजूद हूँ रायकोट के ब्रिज पे, और उस पॉइंट पे जहाँ से बेसिकली जो जीप्स हैं, जो जीपेबल ट्रैक से जीप पे लोगों को बिठा के ये 18 किलोमीटर का ट्रैक कवर करते हुए हमें टाटू विलेज तक लेके जाती है, और वहाँ से ऑल द वे अप टू फेरी मीडो, ब्याल कैंप, व्यू पॉइंट और बेस कैंप 1-2 तक को रास्ता रहता है, और जो कि एडवेंचरस जीपेबल ट्रैक जो कि टाटू विलेज तक जाती है, और वहाँ से असल ट्रैकिंग शुरू होती है जो कि काफ़ी टफ भी है, काफ़ी लंबा ट्रैक है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे जीप्स का वेट हो रहा है, जैसे ही जीप्स आएंगी विल हॉप विल इंशाल्लाह स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स टाटू विलेज। उस डायरेक्शन में रायकोट ब्रिज है और ये रास्ता, तो ये पॉइंट है जहाँ से जीप्स स्टार्ट लेती हैं। चल पड़े हैं, ये 18 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी डेंजरस ट्रैक है, अभी देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। इसे वीडियोस में देखा था आज तक, आज इंशाल्लाह खुद विटनेस करेंगे पर्सनली। ये कुछ व्यू है, स्काई इज ओवर पास विद डार्क क्लाउड्स, पिरामिडल ट्रैक के स्टार्ट का व्यू है।
रेनबो है माशाल्लाह। पहुंच गए और अभी बारिश हो रही है कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग। ये विलेज है, ये फॉरेन टूरिस्ट भी आए हैं टाटू विलेज और यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। ये कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ पे जीप्स खड़ी हैं, ये परसों जीप्स दोबारा आएंगी हमें लेने। और यहाँ पे लिखा हुआ है फेरी मिला 6 किलोमीटर ट्रैकिंग स्टार्ट पॉइंट। ये ट्रैक है, ये टाटू से शुरू हो गया हुआ है और अब 6 किलोमीटर्स का ये पैच है, ये करके तो ऊपर फेरीमीडो पहुंचेंगे। और हम जीप टाइम पे ना मिलने की वजह से काफ़ी लेट हो गए, काफ़ी लेट निकले और मुझे लगता है कि हमें रात पड़ जाएगी ऊपर पहुँचते, अंधेरा हो जाए। तो बारिश जो है वो कंटिन्यूसली लगी हुई, तो ये पहले ही मैं स्लिप हो गया था क्योंकि ये रेत और मिट्टी का मिक्सचर है, ये उधर जा रहा है रास्ता और रास्ता काफ़ी कठिन है और बारिश होने की वजह से क्वाइट स्लिपरी है। ये ब्रिज क्रॉस करना है, इट्स वे टूवर्ड्स फेरी मिलोज। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिकॉर्ड टाइम में ख़त्म हो जाए और रोशनी में ही ऊपर पहुँच जाए, अल्लाह खैर करे। क्या ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह, मेरे पीछे भी स्विंगिंग ब्रिज है, ब्रिज इज स्विंगिंग। स्टार्ट में ये टाटू विलेज का व्यू है, बड़ा प्यारा विलेज है। बड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ का। इधर भी क्यू लगी हुई, वेलकम साइन आ गया, वेलकम फेरी में तो बोर्ड व्यू होटल एंड कैंपिंग गुड बाय। और ये ट्रैक की हालत हो गई है क्योंकि इट वाज कंटिन्यूसली ड्रिजलिंग व्हाइल वी वर हेडिंग टुवर्ड्स टाटू विलेज ऑल द वे फ्रॉम रायकोट ब्रिज फ्रॉम वेयर जीपेबल ट्रैक स्टार्ट्स एंड द ट्रैक स्पैन्स अराउंड 18 किलोमीटर्स ऑल टुगेदर। रास्ता है फेरी मीटर 6 किलोमीटर और काफ़ी हाइट अटेन करके तो फेरी मीटर पहुँचना और बहुत क्लोज एक ट्रैक चल रहा है, हाइकिंग ट्रेल जो है, काफ़ी एलिवेशन अटेन करनी है उसके बाद जाके आएगा। और ये चेक रिपब्लिक से आए हुए हैं, जस्ट स्पोक टू देम अ लिटिल व्हाइल अगो व्हाइल वी वर स्टार्टिंग आवर ट्रैक, तो दे टोल्ड मी के दे आर फ्रॉम चेक रिपब्लिक। There they are. There she is. I think ऊपर भी काफ़ी फॉरनर्स आए होंगे, ये ट्रैक ये नीचे का व्यू है एंड सॉइल मिक्स्ड ट्रैक है, इस टाइम वेट हुआ हुआ है तो थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है।
ट्रैक्शन में स्लिपरी आ जा रही है, इसको चलते हुए जा रहे हैं। नीचे पानी फ्लो कर रहा है बड़ी स्पीड से, बहुत पतला ट्रैक शुरू हो रहा था समटाइम्स। एंट्रेंस है टू करना हुए, बड़ी प्यारी पार्क निकल रही है आबशार। मेरी का ट्रैक है इस तरह का व्यू है इसका, ट्रैक पे ही अंधेरा हो गया रात का, पिरमिडों के ट्रैक पे जस्ट मूविंग और नॉट स्टॉपिंग। सामने स्नो क्लैप पीक नजर आ रही है, तकरीबन 4 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है। मिडवे होटल है मेहताब राय कोटी का, वहाँ पे जाने की ट्राई कर रहा हूँ। फेरी मिडो पहुँचने में अंधेरा हो गया, ये सराउंडिंग है इसकी। मिडवे होटल है, यहाँ पर मैं स्टे करूँगा कुछ देर इंशाल्लाह। रात हो गई है मुझे यहाँ पे, तो एक जंगल क्रॉस कर रहा हूँ। मेहताब राय कोटी के होटल पे मैं रुका था, वहाँ पे मैंने अंडा चाय नोश किया और उसके बाद थोड़ी एनर्जी गेन करके अब चल रहा हूँ। रात 9 से ऊपर हो गए हैं, 9+ PM पे देख रहे हैं मेरे मुंह से फोग निकल रही है, कितनी शदीद ठंड है। आई एम वेयरिंग जैकेट इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे ये जंगल गुजरना है, यहाँ पे मुकामी बंदा कह रहा था कि ये जंगल में आपने बिल्कुल भी ये शॉर्ट ब्रेक भी नहीं लेनी और जस्ट कीप मूविंग, डोंट स्टॉप हियर। ये देखें ये कितना तेज फ्लो है, और अभी तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ा हुआ है। ये देखें फ्लो चेक करें, जंगल चल रहा है, ये जंगल से गुजर के जाना है। बहुत अनइवन रास्ता है, पत्थरों पे से चल के जाना पड़ रहा है, और ये एंट्री पॉइंट है टू द जंगल। ये देखें ये जंगल है, ऊंचे ऊंचे चीड़ के दरख्त हैं, एक्सट्रीम विल्डरनेस, शदीद ठंड और ये जंगल। आगे जंगल आ रहा था तो आई बम्प्ड इनटू लाहौरी गाइस,
और ये जंगल का ज़रा व्यू देख लें, ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के दरख्त हैं। कुछ लोग घोड़े पे ट्रैवल कर रहे हैं जो कि नहीं बेयर कर सकते इसकी हार्डशिप दैट कम्स विद माउंटेनस ट्रैकिंग। अब ये बहुत कभी स्टीप अपहिल हो जाता है, कभी स्टीप डाउन हिल हो जाता है, और अपहिल जब आता है तो लग पता जाता है। और रात के 10 बज गए हैं और ये मैं जंगल से क्रॉस कर रहा हूँ, फेरी मीडो की तरफ लेके जा रहा है जंगल। तो ये हाल है ट्रैक का, बहुत स्लिपरी हो गया है यहाँ पे आके। शूज़ ट्रैकिंग वाले हैं, ट्रैक्शन वाले हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी मदद दे रहे हैं। लकड़ी के ऊपर पत्थर लगा के इन्होंने बनाया हुआ। और ये क्लिफ्स है बहुत बड़ा, और ये बहुत एक टर्न आ रहा है, एक शार्प टर्न आता है जो वो बेंड है। ये नीचे खाई चल रही लगातार, ये फिर एक बेंड आया है। नियरिंग फेरी मीडो, एक बड़ी हैवी आर्चर आ रही है, उसको क्रॉस करना है। ये नीचे इस तरह जा रहा है फ्लो उसका, ये पीछे रास्ता है, और ये जंगल है, और ये एक लकड़ी का ब्रिज है। ये आबशार है, काफ़ी हाइट से आ रही है, बहुत आला। इस टाइम टेम्परेचर जो है 10 होगा, काफ़ी ठंड है, बट हाइकिंग के दौरान चूँकि बॉडी काफ़ी हीट अप हुई होती है तो पता नहीं चलता, बट मुंह के ऊपर और हाथों पे बहुत फील हो रही है ठंड। और ऊपर फेरी मीडो है, यहाँ से लाइट्स नज़र आ रही हैं उसकी। फेरी मीडो के पास पहुँचते हैं, यहाँ पे साइनेज पढ़ने को मिल रही है विच रीड्स शॉर्ट वे टू फेरी मीडोज कॉटेज एंड कैंपिंग साइट। तो ये सारे साइनबोर्ड साइनेजेस लगी हुई हैं, और ये रास्ता है जिस तरह ऊपर क्लिफ है, यहाँ पे गहरी खाई है, डीप गॉर्ज। अगर वीलॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लीव कमेंट एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।